Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to do non-contrast renal angio on GE 1.5 Tesla. ये system है MR355 Brevo. Okay, so let's start. ये entry desk पे patient का data वगैरह fill कर दिया है. यहाँ पे description डाल देना renal angio. यहाँ से protocol select करते हैं. यहाँ पे मैंने abdomen में रखा है renal enhance करके. Okay. तो इसको ले लेते हैं. कई इसमें रूटीन स्कैन करने के बाद ये नॉन कॉन्ट्रास्ट वाला एनहांस वाला एक सीक्वेंस रन करना होगा आपको. सो यहां पे मैंने प्रोटोकॉल ले लिया है. स्टार्ट एग्जाम. सबसे पहले ट्रीपलेन लोकलाइजर लेके फिर रूटीन स्कैन करते हैं. सबसे पहले ट्रीपलेन लोकलाइजर डबल क्लिक ओपन. पोजीशन दिया है मैंने फीट फर्स्ट. इसमें रेस्पिरेटरी ट्रिगर वगैरह लगाना पड़ता है. ओके. बॉडी कॉइल में लिया है 3-4. टेबल इनबिल्ट कॉइल जो है 3-4 उसमें लिया है. और सिलेक्ट कर देना यहां से बॉडी एरिया 3-4. ओके. सो सबसे पहले ट्रीपलेन लोकलाइजर लेते हैं. सेव आरएक्स स्कैन. तो यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रीपलेन लोकलाइजर ले लेते हैं. ओके. देखो मैं ना सिंपल मेथड से बताऊंगा आपको. देखो सबसे पहले जो लोकलाइजर लिया होगा ना आपने, तो उसके ऊपर आपको सही से किडनी दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं है. तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ये जो सबसे पहला जो ये लोकलाइजर लिया है ना उसको पहले आपको कैलिब्रेशन कर देना. सेव आरएक्स. मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ये जो 2D फिएस्टा जो है फैट सेट वाला उसको वो क्या है देखो बहुत कम टाइमिंग वाला है 30 सेकंड का ही है. तो उसको पहले मैं प्लानिंग के लिए ले लेता हूँ ऑलवेज. तो मैं यहाँ पे किडनी आप देख लेना कि कहाँ पे है. सुपीरियर इन्फीरियर इसको जूम करके इतना देख लेना कि किडनी देखो यहाँ से अपना ओरिजिन ही देखना है. दोनों किडनी ओरिजिन मेन ब्रांचेस और ये लोअर ब्रांचेस. ओके. रीनल आर्टरी है ओरिजिन से लेके तो यहां से थोड़ा ऊपर से और थोड़ा नीचे से इतना कवर कर लेना. किडनी देख लेना पहले के किडनी है उसकी आर्टरीज तो यहां से निकलेगी आपको. तो थोड़े कट्स ऊपर ले लेना. ये ओनली स्क्रीनिंग कर रहा हूं सबसे पहले मैं. वैसे ही ये 2D फिएस्टा जो है वो है ब्रेथ होल्ड वाला बट मैं उसको विदाउट ब्रेथ होल्ड ले रहा हूं फास्ट. इसमें है ना फिंगर में पीजी लगा देना उससे क्या है कि गेटिंग आएगा. और ये जो रेस्पिरेटरी बेलो जो रहता है ब्लैक वाला वो लगा देना. पेशेंट को इंस्ट्रक्शन सही से देना बहुत जरूरी है. ये रिदमिक रेस्ट नहीं चलेगा तो नॉन कॉन्ट्रास्ट एंजो नहीं आएगा. और ये पीजी भी सही से नहीं होगा 60 अप होगा तो चलेगा और ये अभी 80-90-100 जैसा हो जाएगा ना तो सही से नहीं आएगा आपका स्कैन. ठीक है. तो ये दो चीज बहुत जरूरी है. इसको ऑन यहां से करना होगा आपको. गेटिंग लिखा है ना ये रेस्पिरेटरी और पीजी डिस्प्ले. पीजी यहां से ऑन कर देना. ओके. तो ये दोनों डिस्प्ले यहां से ऑन हो जाएगा. तो सबसे पहले मैं एक जेल ले लेता हूं और कोरोनल ले लेता हूं. ओनली जस्ट स्क्रीनिंग कर रहा हूं कि मुझे प्लानिंग में सही से दिख जाए. इसके लिए एक जेल है और यहां पे कोरोनल 2D फिएस्टा देखो 46 सेकंड का है. उसको डबल क्लिक किया ओपन किया. मैं ऑलवेज आपको बोलते ही जाता हूँ हर स्कैन में कि आपको कोरोनल चाहिए तो सैज और एक्जल पे प्लान होगा. एक्जल चाहिए तो सैज कोरोनल पे होगा. सैज चाहिए तो कोरोनल और एक्जल पे प्लान होगा. अभी मुझे कोरोनल भी चाहिए प्लानिंग के लिए. तो यहां से एक्जल के विंडो में 2D फिएस्टा डाल देता हूं. देखो अभी यहां से आपको किडनी दिख गई ना. मैं फिर भी थोड़ा ऊपर से ले रहा हूँ. ये कोरोनल है. तीन सेक्शंस ले रहा हूँ इसका भी. ये भी ब्रेथ होल सीक्वेंस है. या ब्रेथ होल करोगे ना तो इक्विजिशन पर पॉज एक बार सांस रोकोगे तो 4 इमेज डिस्प्ले होगा. वैसे है तो मैंने सेटिंग 0 कर दिया है तो ऑटोमेटिक विदाउट ब्रेथ होल्ड ये सीक्वेंस फास्ट मेरे पास आ जाएगा. मैं तो स्क्रीनिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये अभी फिल्म में नहीं देना है. इसके लिए 45 सेकंड में ये हो जाएगा. सबसे पहले मैं ले लूंगा इनहांस.
क्योंकि अभी पेशेंट क्या है कि नॉर्मल पोजीशन में है, तो वो सीक्वेंस जल्दी आ जाएगा। कभी कभी बहुत टाइम भी लगता है यार, क्योंकि पेशेंट के ऊपर डिपेंड है सांस कैसे रोकते हैं वो लोग। देखो अभी ये तो इतना 1 मिनट का ही है, मैं यहाँ से इसका थिकनेस कर देता हूँ 1.6 मैन्युअली। कम से कम जितना थिकनेस कम लोगे ना, उतना इसकी क्लियरिटी और शार्प अच्छा आएगा, टाइमिंग इसमें बढ़ेगा। मैंने इसका थिकनेस कर दिया 1.6, यहाँ से स्लैब को इंक्रीज कर दिया। स्लैब जितना कम करोगे ना, उतना फिर वो हिसाब से टाइमिंग कम होगा। बट मैं क्या है, इसको क्या है, कभी कभी रिपीट भी करना पड़ेगा बार बार, जब तक इमेजेस अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि पेशेंट के ऊपर डिपेंड है। पेशेंट कैसे सांस ले रहा है उसके ऊपर पूरा स्कैन बेस रहता है। अभी देखो ये मैंने यहाँ पे कोरोनल फैट सेट जो आया अपना, मैंने कोरोनल के विंडो में डाल दिया, एक्सेल को एक्सेल में। कोरोनल में देख लेना दोनों किडनी कवर होना चाहिए, क्योंकि वो किडनी कवर नहीं करोगे एग्जैक्टली तो लोबार ब्रांचेस जो किडनी की है आर्टरीज वो मिस होगा। अभी ये कोरोनल में आपको मैं ये भी बता देता हूँ, देखो ये जो है रीनल आर्टरीज है, ओके ओरिजिन। तो ये तो ऑटोमेटिक दोनों किडनी कवर होगी ना विदाउट कटिंग, तो वो रीनल आर्टरीज तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं थोड़ा ऊपर से ज़्यादा ले रहा हूँ, नीचे से ज़्यादा, तो पेशेंट कभी कभी सांस लेने में इधर उधर होता है ना, तो मिस होता है। बहुत ही सिंपल प्लानिंग है, सबसे पहले नॉन कॉन्ट्रास्ट इन्हांस ले रहा हूँ, ओके प्लानिंग हो गया। SNR को रीसेट कर देना, सेव RX, स्कैन। अभी ये सीक्वेंस 5 मिनट चलेगा, सब कुछ मेरा नॉर्मल है दोनों। अभी देखते हैं कैसा आता है, सपोज नहीं आता है, पेशेंट हिला है बीच में, तो इसको रिपीट करना पड़ेगा, तब तक देखते हैं। ओके बहुत इजी प्लानिंग है, मैंने सिंपल बता दिया है, नॉन कॉन्ट्रास्ट बहुत इजी है, बाकी का सीक्वेंस मैं बताते जाऊंगा आगे। सीक्वेंस में ऐसा रहेगा कि इन्हांस वाला लिया, एक्सेल T2 फैट सेट किडनी के लिए, कोरोनल T2 फैट सेट किडनी के लिए, एक्सेल T2 सिंपल T2 विदाउट फैट सेट, एक्सेल ड्यूल इको ले लेना और एक्सेल डिफ्यूजन ले लेना, बाकी का सब कुछ मैं डिलीट कर दूंगा। अभी ये फैट सेट को मैं सिर्फ फैट सेट निकाल के इसको सिंपल T2 बना दूंगा, और मुझे डिफ्यूजन लेना है तो एक सीक्वेंस में लीवर के प्रोटोकॉल में मैंने रखा है डिफ्यूजन, तो वहां से उठा लेता हूँ। ये हमारा ये रीनल एंजो का सीक्वेंस इतना है, इन्हांस, एक्सेल T2 फैट सेट, कोरोनल T2 फैट सेट, एक्सेल ड्यूल इको, एक्सेल T2 विदाउट फैट सेट एंड एक्सेल डिफ्यूजन, पूरा रीनल एंजो का प्लानिंग और विथ प्रोटोकॉल। अभी ये तो 5 मिनट चलेगा, देखते हैं डिस्प्ले होने के बाद मैं आपको शो करता हूँ कैसा इमेज आएगा, ठीक है। ये स्कैन थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि बहुत सारे सीक्वेंस भी लेनी है, इनहांस में टाइम लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अभी हमारा ये रीनल एंजो का सीक्वेंस आ गया, देख सकते हो आप कितना शार्प और कितना अच्छा आ गया है। ओके फिर इसको पोस्ट प्रोसेस कर लेना, पोस्ट प्रोसेस के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, वो आप देख लेना। उसके बाद प्लानिंग हुआ है एक्सेल T2 फैट सेट, वो किडनी का जैसा वो किया था उसको ही वैसा ही करना होगा। कोरोनल को भी एक्सेल पे डाल देना, ओके। यहाँ पे मैंने कोरोनल प्लान कर दिया, ओके सेम वैसे ही जो किया था वैसे ही एक्सेल पे डाल के, सिंपल है। फिर एक्सेल T2 जो वो था उसको मैं सिर्फ यहाँ से फैट सेट निकाल देता हूँ, सेम सीक्वेंस है, यहाँ से रीनेम कर दूंगा। सिंपल है यार, बहुत इजी है। एक्सेल ड्यूल को भी कोरोनल पे, ये क्या है कि ब्रेथ होल्ड वाला है तो ही सही से आएगा ड्यूल को। डिफ्यूजन का भी एक्सेल सबका कोरोनल के ऊपर, ये जो मैंने फर्स्ट फिएस्टा लिया था ना उसके ऊपर सब कुछ प्लान हो जाएगा। डिफ्यूजन का थिकनेस कम कर देना, 5 थिकनेस ले लेना। सो ये हमारा पूरा प्रोटोकॉल प्लान हो गया है, ओके। फिर वो जो कॉन्ट्रास्ट जो आई, नॉन कॉन्ट्रास्ट आई थी, उसको एक बार पोस्ट प्रोसेस में डाल के देख लेना पेशेंट को निकालने से पहले,
देखो यहाँ पे अभी तो मैं इसका कटिंग वगैरह करूँगा, बट यहाँ पे दोनों आर्टरीज वगैरह सब कुछ सही से मुझे दिख रहा है। इसको कटिंग करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो उसके बाद हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने वर्क स्टेशन में डाल के देख रहा हूँ कि कैसे आई है, क्योंकि पेशेंट निकाल दूंगा और फिर पता चला कि स्कैन तो आया ही नहीं है सही से। उसका कटिंग वगैरह फिर बाद में करेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया है कैसे नॉन कॉन्ट्रास्ट सिंगल एंजियो का प्लानिंग सीक्वेंस वगैरह लेते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।